सहारनपुर में भाजपा विधायक ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, ऑक्सीजन प्लांट संबंधित कई व्यवस्थाओं का लिया जायजा। रायबरेली में पंचायत घर में हुई लाखों की चोरी, पुलिस जांच में जुटी। कासगंज में उप निरीक्षक के विदाई समारोह का हुआ आयोजन, शायर नदीम फरूक ने किया समारोह का संचालन। गाजियाबाद में खेत में पड़ा मिला युवक का शव, पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। अयोध्या में रामनगरी में उमड़ा आस्था का सैलाब, श्रद्धालुओं ने साल के पहले दिन का लिया भगवान का आशीर्वाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। सहारनपुर के भाजपा विधायक राजीव गुंबर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां भाजपा विधायक ने जिला अस्पताल में कोरोना को लेकर सतर्कता का जायजा लिया, तो वहीं जिला अस्पताल ने समुचित व्यवस्था का भी निरीक्षण किया, साथ ही ऑक्सीजन प्लांट और बेड संबंधित जानकारी भी लेते नजर आए। 3 वेरिएंट आ चुके हैं जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया, भारत में भी उसका एक बहुत बड़ा असर रहा। लेकिन धन्यवाद करूंगा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, जिन्होंने पूर्व तैयारी के साथ कोरोना के ऊपर बहुत बड़ा काबू पाने का काम किया। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना को जिस प्रकार से रोकथाम की, वो पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है। सुल्तानपुर के दुबेपुर ब्लॉक में प्रधान संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रधान 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं प्रधानों के विरोध प्रदर्शन के चलते विधायिका और कार्यपालिका में हलबली मच गई है। मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक और विनोद सिंह, एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह और सांसद प्रतिनिधि रंजीत कुमार ने प्रधानों के साथ वार्ता भी की। इस दौरान अधिकारियों को प्रधानों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। प्रधानों ने मांग की अकाउंटेंट ओम शंकर पांडे और खंड विकास अधिकारी संदीप सिंह का तबादला करते हुए इनके खिलाफ जांच कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, तो वहीं दोनों जनप्रतिनिधियों की तरफ से आश्वासन दिया गया कि जांच कर हर संभव कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। एक तो नरेगा जो अकाउंटेंट था, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया था कि जो पहले धन दे उसी को टोकन दिया जाएगा, तो उनके खिलाफ प्रशासन ने निर्णय लिया है कि उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करके मंडे को उनको वापस दी जाएगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब का अप्रूवल चाहिए, वो आज छुट्टी पे। प्रदर्शन पर क्या निर्णय लिया गया? प्रदर्शन पर समाप्त हुआ, क्योंकि इनकी मुख्य मांग ये थी, यहाँ धरने पर बैठे थे कि हमारे अभिभावक लोग सब आए और इनकी उपस्थिति में और इनके आश्वासन पर हम अपना प्रशासन के आश्वासन पर अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर देंगे। कासगंज के कोतवाली क्षेत्र की पुलिस चौकी में तैनात उप निरीक्षक हरि सिंह का विदाई समारोह हुआ। बता दें कि सेवानिवृत्त पर नगर की चौकस्ट्री चौक में स्थानीय नागरिकों ने विदाई और सम्मान समारोह का आयोजन किया, साथ ही सेवानिवृत्त उप निरीक्षक हरि सिंह का फूल मालाएं एवं शाल उड़ाकर सम्मान किया गया। समारोह का संचालन क्षेत्र के मशहूर अंतर्राष्ट्रीय शायर नदीम फरूक ने किया। नदीम फरूक ने बताया कि हरि सिंह अपने मिलनसार व्यवहार के कारण कस्बे में लोकप्रिय थे। औरैया में यमुना नदी पर बने पुल पर रात में सफर करना जोखिम भरा हो गया है। बता दें कि पुल पर सड़क और उखड़ी हुई है, जगह जगह रेलिंग जर्जर है, साथ ही कोई लाइटें भी नहीं जलती हैं। लोक निर्माण विभाग ने पुल जर्जर होने की रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद रिपोर्ट के आधार पर भारी वाहनों का पुल से संचालन पर रोक लगा दी गई थी, तो वहीं केवल हल्के चार पहिया वाले वाहन का ही संचालन हो रहा है। इसके बावजूद लोक निर्माण विभाग ने यमुना पुल पर यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया।
गोंडा में भारत एक ओर जहां विश्व गुरु बनने की राह पर खड़ा है, लेकिन वहीं समाज में छुआछूत और भेदभाव की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मामला कौड़िया बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां एक दलित महिला का पैर सामंतवादी जमींदार की जमीन पर पड़ने से दलित महिला की जमकर पिटाई कर दी गई। दलित युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी पड़ोस के रहने वाले पंडित हीरा लाल पांडे के खेत से होते हुए अपने खेत में चली गई, जिसके बाद दबंग पंडित ने दलित महिला की पिटाई कर दी। जब परिजनों ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने घर में घुसकर पूरे परिवार वालों की भी पिटाई कर दी। वहीं अब इस मामले में कौड़िया बाजार थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। परिजनों पे अभी इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है और आए दिन प्रशासन के हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। इस प्रकरण को लेकर थाना इंचार्ज से मैंने स्वयं बात किया था, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। मैं वहां गया भी था, वो मेरे सामने ही कहते हैं कि यहां पर कोई लड़ाई ही नहीं हुई है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट भी पास अवेलेबल है, चोट भी लगी है। और थाना इंचार्ज क्या करते हैं, सत्ता के दबाव में हाथ पैर की जा रही है। जनपद गोंडा थाना कौड़िया, ये भरथाई ठैया गाँव का मामला है, का बालक राम जी है, उनका उनके पड़ोसी जो है हीरा लाल पांडे जो उनका विवाद था, इसके बाद इनका बालक राम जी का ये कहना है कि उनको उन्होंने हमारे साथ मारपीट की है और गालियां दी हैं, अपमानित किया है। इस संबंध में उनसे तहरीर प्राप्त करके अभी पंजीकृत किया जा रहा है क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज। रायबरेली के शिवगढ़ थाना में ग्राम सभा सीवन के पंचायत घर में लाखों की चोरी हुई। पंचायत सहायिका ने जब पंचायत घर का गेट खोला और अंदर जाकर देखा तो कमरे के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था, जिसमें से कंप्यूटर, बैटरी, इन्वर्टर समेत कई चीजें गायब थी। पंचायत सहायक ने तत्काल ही सीवन प्रधान को सूचित किया। वहीं मौके पर पहुंचे प्रधान ने पुलिस को सूचना दी और सूचना के कुछ देर बाद चौकी इंचार्ज घटनास्थल पर आए। उन्होंने बताया कि छानबीन की जाएगी, साथ ही जल्द ही चोर पकड़े जाएंगे। गाजियाबाद के मोदी नगर भोजपुर थाना क्षेत्र में एक युवक का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला, जिसकी हत्या की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। तो वहीं पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि युवक का किसी युवती से अवैध संबंध था, जिसके चलते युवती के देवर ने ही युवक की हत्या कर दी और शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया था। वहीं अब हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाने पे आकर सूचना दी कि उनका पुत्र राखी जो है दिनांक 28/12/2022 की शाम से जो है गायब है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि उसी दिन शाम को कलछीना निवासी खालिद के साथ वह देखा गया है। इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत करते हुए थाना भोजपुर पुलिस व यशवती जोन ग्रामीण द्वारा आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव गंगावास निवासी मजदूर के बेटे गौरव मीणा ने थाईलैंड के धरती पर चीन और ईरान को पछाड़ दिया और जूनियर रोइंग एशियन चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया, जिसके बाद पहली बार बुलंदशहर आने पर गांव और क्षेत्र के लोगों ने उनकी स्वागत यात्रा निकाली। चैंपियन गौरव मीणा के स्वागत और उत्साह वर्धन के लिए गाँव में पुष्प वर्षा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। आपने जो है प्रशिक्षण प्राप्त किया? सबसे पहले मैंने 2018 में रोइंग स्टार्ट करी और मैंने 2 किलोमीटर की रेस थी जूनियर एशियन चैंपियनशिप थी सर। वहाँ जो प्रतियोगिता हुई है वहाँ किस किस देश में हुई? सर वहाँ पे सिल्वर मेडल था चाइना का और ब्रॉन्ज मेडल था ईरान का, गोल्ड अपना इंडिया। इनकी खुशी का माहौल है और किस तरह का आप लोगों ने इनका स्वागत किया? यहाँ पूरे गांव में नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में बड़ा खुशी का माहौल है और हमें बड़ा गर्व है और हम बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं अपने आप में, क्योंकि हमारा अपना बच्चा थाईलैंड की धरती विदेश में जाकर के चाइना और ईरान जैसे देश को पछाड़ करके गोल्ड मेडल लेकर के आया है। पूरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है और जिस दिन आया था उस दिन पूरे क्षेत्र में मिठाई बांटी गई है। रामनगरी में साल के पहले दिन आस्था का सैलाब उमड़ गया, जिसके चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और साल का पहला दिन भगवान के आशीर्वाद के साथ शुरू किया। भगवान रामलला
हनुमानगढ़ी समेत रामनगरी के मठ मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी, तो वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम भी किए, साथ ही मंदिरों के आसपास बैरिकेडिंग भी लगाई है। बता दें कि पिछले वर्ष 1 जनवरी को 3 लाख से ज्यादा लोगों ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया था, तो वहीं मंदिरों में दर्शन पूजन करने वालों में युवाओं की संख्या ज्यादा है। अमरोहा में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरे मामले में सीओ अरुण कुमार ने बताया कि गजरौला थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह भागने लगा, जिसकी घेराबंदी करने के बाद उसमें सवार 2 लोगों का पीछा किया गया, जिसमें से एक व्यक्ति भाग गया, जबकि दूसरे व्यक्ति को मुठभेड़ के बाद पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया गया है। कि समय करीब 11:30 और 12:15 के मध्य की बात है, एक ट्रक बड़ी तेजी से धनौरा की ओर से आया, जिसको पुलिस पार्टी द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, तो रोकने के दौरान ट्रक में सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से पार्टी के लिए से फायर किया गया तथा ट्रक को इधर तिगरी मोड में टर्न करते हुए बड़ी तेजी से भागा, जिसका पुलिस पार्टी द्वारा पीछा किया गया। तो यहाँ तिगरी से जो मोहरका पट्टी वाली रोड है, यहाँ ट्रक डिसबैलेंस होने के कारण रुक गया तथा उस पर ट्रक में सवार 2 व्यक्ति कूद कर पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए भागे। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।